Hello students, welcome in study skill, better understanding. और जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं. इस तरह के कमेंट्स हैं कि सर एग्ज़ाम जो हमारा है बहुत जल्दी है, तो आप प्लीज़ सारे चैप्टर्स की वीडियो सेंड करिए. कुछ स्टूडेंट्स के व्यूज़ जो मेरे पास आए हैं कमेंट के थ्रू, उन्होंने ये कहा है कि सर प्लीज़ आप जो वीडियोस हैं उनको जल्दी से सेंड कर दीजिए, और मैं यानी कि हम लोग बहुत जल्दी करना चाहते हैं. देखो स्टूडेंट्स, ये चैनल मैंने केवल अपने स्टूडेंट्स के व्यूज़ के लिए, अपने स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए बनाया है. स्टूडेंट्स के हेल्प का मतलब ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी कारणवश कॉलेज नहीं जा पाते या रेगुलर स्टडीज़ में नहीं पहुंच पाते, रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते. देखो ये जो मेरा चैनल है, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप क्लासेस अटेंड ना करें और इसके बाद आप सारी चीज़ें चैनल से कर लें, बल्कि उनके लिए हेल्प है जो किसी कारण बस नहीं कर पाए और वो अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे थ्रू जोड़कर वो कुछ अच्छा कर सकते हैं. देखो स्टूडेंट्स, आज मैं जैसे एनालाइज कर रहा था, ज़्यादा दिन नहीं मेरे चैनल को हुए हैं और केवल स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही मैंने चैनल बनाया था, तो जब मैं एनालाइज कर रहा था, एनालिटिक्स देख रहा था अपने चैनल की, आपके चैनल की, तो उसमें मैंने कि देखा कि 80% जो व्यूवर्स हैं मेरे, जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो ऐसे व्यूवर्स हैं जो जिन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, यानी कि आपका अपना जो चैनल है स्टडी स्किल, उसे सब्सक्राइब नहीं किया है. देखो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ बाउंडेशंस होती हैं. स्टूडेंट्स के मुझे सजेशंस आ रहे हैं, सर ऐसा करिए, सर ऐसा करिए, लेकिन स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उन बाउंडेशंस को खोलने के लिए हमें बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस की ज़रूरत होती है, और जब इतने स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. जितने स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके पास में ही एक बेल का बटन होता है, बेल जैसा बना हुआ होता है, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन एक्टिव कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियोस मैं डालूँ वो कंटिन्यू आप तक पहुँचती रहे. दूसरी चीज़, देखो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और देखो मैंने ये जो चैनल बनाया था, ये स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही बनाया था, तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर भी करें चैनल्स को. और आज आप लोग आजकल एग्ज़ाम्स में भी जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने अदर सब्जेक्ट्स के जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, अदर स्टूडेंट जो आपके क्लासमेट हैं वो मिलते हैं, उनसे भी आप शेयर करें, जिससे ये जो नॉलेज है, ये जो चीज़ें हैं, जो फ़ायदा है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिले और सबको मिले जो ऐसा चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स आप इसकी चिंता ना करें, मैं बहुत जल्दी आपकी ये वीडियोस डिलीवर कर दूंगा आपको, ये सारी वीडियोस, और प्रॉज ही नहीं पोइट्री भी, दोनों का मैं, अगर आप फॉलो करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम इनमें आने वाली नहीं है, इनमें आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे. लेकिन आपको हार्ड वर्क ना करके, अब इतना टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क करना होगा, और स्मार्ट वर्क के लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ. और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स के थ्रू आप बताएं, क्योंकि पता नहीं चलता है, जब तक आपके कमेंट्स हमें नहीं मिलते हैं, मुझे नहीं पता चलता कि आप क्या चाहते हैं. और देखो आपके सजेशंस हमेशा रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि आप सजेस्ट करेंगे, चीज़ें बताएंगे, तभी हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे.
और कमेंट करेंगे तभी हमें आपकी अभिव्यक्ति का पता चलेगा, आपकी फीलिंग का पता चलेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ को जानकर। आज हम, चूंकि ये मैंने बात इसलिए की, बहुत ज़रूरी था, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, इतने कमेंट्स मैं नहीं कर सकता, टाइम की कमी है। अब ये वीडियो भी मैं अराउंड 11:35 टाइम हो रहा है इस टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम की कमी की वजह से, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड है तो मुझे करना ज़रूर है, आप लोगों की हेल्प के लिए ऐसा करना है। अब आज मैं जो बात करूँगा इसमें, वो बात करने जा रहा हूँ चार्ल्स लैम के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है चार्ल्स लैम है, तो चार्ल्स लैम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखो, चार्ल्स लैम की जहाँ तक हम बात करते हैं, चार्ल्स लैम का जन्म लंदन में हुआ, एक बहुत ही सिंपल परिवार में। एक हैम्बल बैकग्राउंड था इनका, पुअर फैमिली थी, ज़्यादा बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। इनके इनका जो जन्म हुआ वो 10 फरवरी 1775 को माना जाता है, और इनके जो फादर थे उनका नाम जॉन लैम था, मदर जो थी उनका नाम एलिजाबेथ लैम था। जॉन लैम जो इनके फादर थे वो एक जो है क्लर्क थे, जनरली एक कॉन्फिडेंशियल क्लर्क थे, और क्लरिकल वर्क वो जो है करते थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये 7 बच्चों में सबसे छोटे थे, यानी कि 7 भाई बहन थे, उन 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। और चूंकि उन 7 बच्चों में केवल 3 बच्चों ने ही सरवाइव किया, यानी 7 में से केवल 3 ही बच्चे सरवाइव कर पाए, बाकी की डेथ हो चुकी थी, उन 3 में सबसे बड़े थे जॉन लैम, यानी कि इनके फादर का भी जॉन लैम नाम था और इनके बड़े भाई का भी नाम जॉन लैम ही था। तो इनके बड़े भाई सबसे बड़े जो थे वो जॉन लैम थे। उसके बाद जो है मैरी लैम थी, जो कि इनकी सिस्टर थी, और फिर सबसे छोटे जो थे ये चार्ल्स लैम थे। तो इनकी, इसके बाद हम बात करें इनकी एजुकेशन की, तो देखो, चूंकि मैंने बताया आपको कि ये बहुत ही पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था, तो पुअर फैमिली में जन्म होने के कारण ये ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इनके फादर आगे नहीं करा पाए, स्कूलिंग ज़्यादा अच्छी इनकी नहीं हो पाई, ज़्यादा आगे इनको नहीं बढ़ाया जा सका किसी कारण। अच्छा, थोड़ा सा जन्म के बारे में इनका एक चीज़ और कहा जाता है, आपको कन्फ्यूजन ना हो कभी पढ़ें आगे, तो कि इनका जो जन्म हुआ था वो एक टेम्पल नाम की जगह में हो, मतलब लंदन में ही टेम्पल नाम की एक बिल्डिंग थी, उसमें इनका जन्म हुआ था। और वो जो टेम्पल बहुत ही क्राउडेड एक जो सिटी है लंदन, उसके अंदर जो टेम्पल बिल्डिंग है उसके अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। और लगभग ये मान लीजिए कि काफ़ी साल तक ये उसमें रहे, यानी लगभग 6 साल, 6-7 साल तक की लाइफ वहाँ रही इनकी। इसके बाद ये माना जाता है कि वो जो टेम्पल नाम की बिल्डिंग थी वो एक ऑफिशियल बिल्डिंग में तब्दील हो गई, बदल गई, और वहाँ जो है लॉयर्स लोग जो रहते वहाँ के थे, एडवोकेट्स, वो वहाँ रहने लगे थे, और उसी को जो है इन चार्ल्स लैम का जन्मस्थान माना जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था आगे कि इनकी लाइफ, मतलब एजुकेशन की बात बारे में बात करें तो इनका जो है प्राइमरी एजुकेशन जो इनकी थी वो जो है इनको एक प्राइवेट स्कूल में, छोटे मोटे स्कूल में डाल के हुई, और इसके बाद फिर इनको क्राइस्ट हॉस्पिटल नाम के जो है एक स्कूल में डाला गया, जो कि एक चैरिटी स्कूल था, यानी कि दान दक्षिणा से चलता था, चैरिटी से चलता था। वहाँ पे फिर ये मतलब पढ़ने के लिए गए, तो लगभग 6-7 साल की बात करें वहाँ रहे। इसके बाद इनको जो है अपनी पढ़ाई इनकी गरीबी की वजह से छोड़नी पड़ी। 14 साल की एज में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और उस एज में ये जो है साउथ सी हाउस एक कंपनी थी,
जहाँ पे जॉब करने लगे, यानी कि क्लर्क की जॉब ये करने लगे वहां पर। उसके बाद जब वहां जॉब करने लगे, इसके बाद कंडीशन ये हुई वहां पर लगभग इन्होंने, यानी कि ये माना जाता है कि लगभग 14 साल से जो है इन्होंने वहां से जॉब स्टार्ट की, और फिर इसके बाद 2 साल बाद ये एक इंडिया हाउस है वहां पे क्लर्क के रूप में शिफ्ट किया, वहाँ वर्क करना शुरू किया। और वहाँ इंडिया हाउस में ये माना जाता है कि लगभग इन्होंने 33 साल, 33 ईयर्स इन्होंने वहाँ पे जॉब की कंटिन्यू, अगर कुछ सालों को छोड़ दिया जाए, यानी कि कुछ ईयर्स में इनकी कंडीशंस ठीक नहीं रही, जिसमें लगभग उन ईयर्स में इन्होंने क्या किया, यानी कि लगभग 6-7 वीक का समय माना जाता है कि उसमें ये जे असाइलम में रहे, यानी कि जो पागल खाना होता है वहाँ पे रहे। क्यों रहे? क्योंकि कंडीशन ये थी, इंसैनिटी के शिकार थे। इंसैनिटी का मतलब होता है ना तो ज़्यादा पागल इंसान होता है और ना ज़्यादा अच्छा होता है, मिडिल वाली कंडीशन होती है। तो ये वहाँ पे रहे। और इसके बाद अगर हम इनके भाई बहनों की बात करें, तो देखो जो जॉन लैम थे इनके बड़े भाई, वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते थे फैमिली से, भाई बहनों से, ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने वाले इंसान नहीं थे। यानी एक तरह से सेल्फिश इंसान आप मान सकते हैं कि वो जो है सेल्फिश पर्सन थे। देखो मैरी की अगर बात करें, जो इनकी सिस्टर थी, मैरी लैम की बात करें, शी वॉज रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी गर्ल, बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी वो। खुद एक अच्छी राइटर थी, बहुत अच्छा लिखती थी, टैलेंट उसके अंदर कूट कूट कर भरा था। लेकिन कंडीशन ये थी कि काम ये भी करते थे, लेकिन ये माना जाता है, और माना जाता नहीं है, ये रियलिटी है, कि जो इनकी सिस्टर थी, पागलपन में उसने क्या किया था, उसने अपनी माँ को, यानी कि जॉन लैम, चार्ल्स लैम और मैरी लैम, अपनी तीनों की जो माँ थी एलिजाबेथ लैम, उनको चाकू मार दिया था पागलपन में। इसके बाद की कंडीशन ये थी। और देखो जब पर्सनल लाइफ की चार्ल्स लैम की बात करते हैं, तो ये माना जाता है कि चार्ल्स लैम की जो पर्सनल लाइफ थी, इन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, बैचलर ही रहे। क्यों नहीं की? उसका सबसे बड़ा रीज़न जो माना जाता है, वो ये माना जाता है कि शायद वो अगर शादी करते हैं तो वो अपने सिस्टर की देखभाल ढंग से ना कर पाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी वाइफ जो आने वाली है, हो सकता है कि वो उसकी केयर ना करे या ना कर पाए, या उसकी वजह से हो सकता है कि ये उसकी केयर ना कर पाए, ऐसा माना जाता है। लेकिन कंडीशन ये थी, वो लड़की जिसको ये प्यार करते थे, जनरली शादी नहीं कर पाए, और हवाला यही दिया कि मैं सिस्टर की वजह से, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से, आपको प्रॉब्लम्स में नहीं डाल सकता, और इसी वजह से इन्होंने शादी नहीं की। इसके बाद देखो बात आती है करियर की। जब लिटरेरी करियर की बात आती है, तो इन्होंने कई जगह हाथ अपना आजमाया, यानी कोई ऐसा फील्ड लिटरेचर का नहीं रहा होगा जहाँ पे इन्होंने अपना हाथ ना आजमाया हो, यानी पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, एसेस, क्रिटिसिज्म, हर तरफ इन्होंने हाथ मारा। लेकिन कंडीशन ये रही कि इनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी रहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रहीं कि वो ज़्यादा ही हम अच्छा उन्हें नहीं कहा जा सकता। देखो सबसे पहले अगर करियर की बात करते हैं, तो इन्होंने जो शुरुआत की वो पोएम से की। इनके पूरे लिटरेरी करियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला लिटरेरी करियर है
यानी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है कि इन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी, जिसमें एक टाइटल इनका था पोम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, जो कि 1796 में आया था। और रोजमंड ग्रे इनका नॉवेल था, 1798 में आया था। जॉन वुडविल इनका एक बहुत ही अच्छा पोएटिक क्रिएशन था, जो कि 1802 में पब्लिश हुआ था। और ये जो करियर था, ये इनका ये माना जाता है कि ये इमेच्योरिटी का करियर था, यानी कि ज़्यादा मेच्योरिटी वाला करियर नहीं था, जिसमें कोई सीरियस ज़्यादा चीज़ें नहीं आई। फिर जब सेकेंड हाँ यानी कि सेकेंड पीरियड की या सेकेंड पार्ट की, सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, तो उसमें इन्होंने वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिटिसिज्म में इन्होंने शुरुआत की। क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा किया इन्होंने। फिर कुछ वर्क्स जैसे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में इनका आया, बहुत अच्छी बुक थी। लेकिन यह माना जाता है कि जॉन और मतलब मैरी और चार्ल्स लैम दोनों ने मिलकर ये लिखी थी, और इनका ये कहा जाता है कि लगभग आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो मैरी लैम ने लिखा था। इसके अलावा कीट्स और कॉलरिज के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, जिसमें वो टाइटल था स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स कंटेम्प्रेरी विद शेक्सपियर। और इसके अलावा इनका जो थर्ड पीरियड था, वो बहुत ही गोल्डन पीरियड था, बहुत अच्छा पीरियड था, जिसमें इन्होंने एसेज ऑफ इलिया, इलिया जो था एक्चुअली इनका पेन नेम था। पेन नेम क्या है उसके देखने के लिए मैं आपको बताऊंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में कि पेन नेम होता क्या है। एक्चुअली पेन नेम मतलब इन्होंने क्या किया, जब कोई राइटर लिखता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ओरिजिनल नेम कुछ और होता है और राइटिंग का जो पेन नेम होता है वो कुछ और होता है। तो इनका जो पेन नेम था वो इलिया था। और ये जो पेन नेम है, ये माना जाता है इनके साथ जो साउथ सी हाउस में एक क्लर्क वर्क करता था, इनके साथ कुलीग था इनका, उसका जो सरनेम था वो इलिया था, वहां से इन्होंने लिया था। तो इन्होंने क्या किया, थर्ड पीरियड में इन्होंने एसेज ऑफ इलिया लिखा, जो कि एक कलेक्शन था बहुत सारे एसेज का, और उन एसेज का जो लंदन मैगजीन में पब्लिश हुए थे। और ये जो एसेज है, ये 1820 में ये आया था कलेक्शन, और इसमें बहुत सारे एसेज थे जो बहुत ही प्रोमिनेंट एसेज थे और बहुत अच्छे एसेज थे और अच्छा माना जाता है, जैसे कि क्राइस्ट हॉस्पिटल, डिजर्सन ऑफ रोस्ट पिग, ओल्ड चाइना, पुअर रिलेशंस, साउथ सी हाउस, इम्परफेक्ट सिंपैथीज, अ चैप्टर ऑन ईयर्स, मोकरी एंड ड्रीम चिल्ड्रेन, ग्रेस बिफोर मीट एंड प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स, जिसका किसी हमारे सब्सक्राइबर ने, स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स के बारे में बात करिएगा। जरूर बात करूंगा मैं बाद में। तो ये जो सारे एसेज थे, ये एसेज ऑफ इलिया में आए थे 1820 में। ये हो गया इनके लिटरेरी करियर की बात। फिर बाद की लाइफ, जो लिटरेरी करियर का था इनका, इसके बाद ये माना जाता है कि इनके जो तीन फ्रेंड थे, बहुत ही खास फ्रेंड थे, जिसमें से जो है हैजलिट, कॉलरिज और साउदे, विलियम हैजलिट, एस टी कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे, ये तीन जो है बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, इनसे फ्रेंडशिप थी इनकी। और इसमें ये माना जाता है कि कॉलरिज जो इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, उनकी उसी साल में जो है डेथ हो जाती है, यानी कौन से साल में, जिस साल में इनकी डेथ हुई उससे पहले कॉलरिज की डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ की शॉक, उनका शॉक ऐसा लगा कि कुछ दिन बाद ही, कुछ महीनों बाद ही इनकी भी डेथ 1834 में हो जाती है। तो देखो, ये जो कहानी थी ये चार्ल्स लैम के बारे में थी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे दूं लास्ट में। देखो, इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही दर्दनाक थी,
जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही ट्रेजिक लाइफ है इनकी। आप जरा सोचो कि एक ऐसा लड़का जो कि एक पुअर फैमिली में जन्म हुआ उसका, इसके बाद में उसकी पढ़ाई भी इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि वो गरीब था, उसके फादर उसके पेरेंट्स गरीब थे। इसके बाद उसने हर तरफ अपना हाथ आजमाया, 30-35 साल तक क्लर्क की जॉब की, जिसने 14 साल से शुरू करके, तो उसकी पर्सनल लाइफ तो लगभग खत्म। दूसरी तरफ कंडीशन क्या हुई उसकी सिस्टर इंसैनिटी का शिकार, और सिस्टर ने मदर को इंसैनिटी में मार दिया। ये इनके लिए और बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़, प्रॉब्लम, ट्रेजेडी। इसके बाद की कंडीशन, ये जॉन लैम इनके ब्रदर, पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी परेशान रहे, उनको उनकी भी इन्होंने हेल्प की, और उनको ये वो डिसेबल कुछ दिन के लिए रहे तो उनको भी ये कैरी करते थे, उनको भी हेल्प करते थे। उधर अपनी सिस्टर, उसके लिए क्योंकि वो इंसेन थी, उसको भी हेल्प करते थे, उसको उसकी भी केयर करते थे। तीसरी तरफ इनकी लव स्टोरी का ट्रेजिक एंड, कि लव किया और कभी इन्होंने शादी नहीं की, और इस वजह से अपने लव को वहाँ पे निछावर कर दिया क्योंकि इनकी सिस्टर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। और इसके बाद बैक टू बैक इनकी सारी प्रॉब्लम्स, फिर इनके फ्रेंड्स की डेथ, उससे पहले इनकी दादी की डेथ, और बहुत सारी ट्रेजडीज इनकी लाइफ में रही। तो कॉन्टिन्यू इनकी लाइफ में जो है वो ट्रेजडीज ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, और उसी चीज़ को लेते हुए लास्ट में ये ट्रेजडीज के साथ ही अपनी लाइफ का, इनकी लाइफ का अंत हो जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये मेरा वक्तव्य या मेरी बातचीत जैसा कि मैं आपसे कर रहा हूँ, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आगे मैं जल्दी ही इनका जो एसे आपके सिलेबस में है उसके बारे में बात करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।